सवाल नेता का नहीं होता है, सवाल नियत का होता है। जो व्यवस्था में लोग अगर उनकी नीति साफ रहती तो सभी समाज को बराबर से देखते, और बराबर से नहीं देखें इसी का कारण है कि आज। और एक चीज़ मैं बता दूं, मेरी इसी अन्य दलित वर्ग के लोगों से हमारा कहीं कंपटीशन नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं, सरकारी ठेके होते हैं, चाहे वो भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, सारे ठेके में जो लॉन्ड्री के काम होते हैं वो अब बड़े लोगों को मिल रहे हैं। हमारे समाज के लोग सिर्फ मजदूर बन करके रह गए, हमारे लोग क्या उसके काम नहीं मिल सकता। 30-32 सालों से बात कीजिए साम्राज्य जी, तो बिहार में समाजवादियों की ही सरकार है, पहले लालू प्रसाद यादव की थी, अभी नीतीश कुमार की है। कहा जाता है कि इन्होंने उस समाज को आवाज़ दिया जो दबी जुबान में थे, जो नहीं बोल पाते थे, चाहे वो गाँव हो या पटना शहर या कहीं का ही बात कर लीजिए। 35 सालों में कोई बदलाव दिखा आपको अपने समाज में, खासकर धोबी समाज की बात कर? यही बदलाव है कि आज, पहले हमारे संसद में 2 या 1 संसद सदस्य होते थे, आज एक भी नहीं है। पहले 3 से 5 विधायक होते थे, आज एक भी नहीं, ये बदलाव है। प्रशासनिक पदाधिकारी पहले 5 से ज़्यादा प्रतिशत होते थे, अब 3% है, ये बदलाव है। शैक्षणिक क्षेत्रों में अब हमारे लोग नहीं हैं, रोजगार के क्षेत्र में जो हमारा अपना रोजगार था वो छीन लिया गया है। हम वो जो लॉर्ड मैकाले की जो नीति थी अंग्रेजों का कि हिंदुस्तानी लोगों को मजदूर बना करके रखो, चौकीदार बना के रखो, तो देश के 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम मजदूर बन करके थे, मजदूर बन करके हैं, मजदूर बन करके लगता है, ये नीति के तहत रहेंगे। भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, सरकारी कहती है, अन्य दल के लोग कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, तो हमारी आबादी है 1.5%, लेकिन कहाँ दिखता है। ये रैली है, रैली होगी, रणभेदी बचेगी, और हम आगे की लड़ाई का, संघर्ष का कार्यक्रम तय करेंगे। 2 अप्रैल को पटना के मिलर ग्राउंड में अखिल भारतीय धोबी महासभा के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी आपको पहले हम दिखा देते हैं। चारों तरफ जो पंडाल है वो बनने लगे हैं, और 2 अप्रैल यानी 2 दिन के बाद ये बड़ा महाआयोजन पटना के मिलर ग्राउंड स्कूल में किया जाएगा, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे राज्य से, बिहार के सभी जिलों से जो धोबी समाज के लोग हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। श्याम रजक यहाँ पर खुद पहुँचे हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस आयोजन का उद्देश्य क्या है। नेतृत्वकर्ता जो हैं वो श्याम रजक खुद हैं। सर, तैयारी तो पूरा लग रहा है कि अब तैयारी हो गया है, 2 अप्रैल को ये सभा होना है, सर इसका उद्देश्य क्या है आखिरकार, क्योंकि ये जातीय सभा? देखिए, धोबी समाज इस राज्य में 1.5% आबादी का हिस्सा है, हमारे वोटर हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक, हमारी प्रशासनिक स्थिति दयनीय है। हमारी स्थिति ये है कि एक भी हमारे राजनीतिक पृष्ठभूमि में न कोई विधानसभा के विधानमंडल का सदस्य, न कोई संसद का सदस्य, न कोई अन्य संगठनों में है, तो ये राजनीतिक दलों के लोगों की जो उपेक्षा रही है उसका जीता जागता उदाहरण है। प्रशासनिक जहाँ तक है, हमारा पहले 5% लोग क्रम संख्या वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में पदाधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे। आज जो कानून के अड़चन में फंसा करके के प्रोन्नति में आरक्षण के सवाल पर हमारा 3% भागीदारी हो गया है, यानी कि घट कर करके 1.5% से 2% हमारा घट गया है। जहाँ तक शैक्षणिक बात है, शिक्षा के क्षेत्र में हम हैं, हमारे जो टोला सेवक जो सरकार ने बहाल किया, 80% हमारे समाज के, हमारे वर्ग के लोग हैं, तो टोला सेवक के लोग शिक्षक सेवक के रूप में अब परिवर्तित हो गया, और उनके साथ ये अन्याय होता है कि विकास मित्र को 17,000 रुपया मिलता है मानदेय, और इनको मिलता है 9,000 रुपया। इसलिए क्या, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, एक शंका व्यक्त कर रहा हूँ, क्या उसमें हमारे समाज के लोग हैं इसीलिए उनको कम मिलता है क्या? ये सारी स्थिति है। उसके बाद हमारे लोगों का तो अब नई नौकरी बंदी हो गया है, और नई नौकरी पर हमारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रोजगार के साधन हैं,
तो रोजगार भी हमारे जो रोजगार रहे हैं वो बड़े लोग अब चला रहे हैं, क्योंकि पैसे की महत्ता है। सरकार हमारे लोगों को प्रोत्साहित करे, आर्थिक रूप से मदद करे, ताकि हम उन चीज़ों में अपनी भागीदारी हो। सरकारी ठेके होते हैं, चाहे वो भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, सारे ठेके में जो लॉन्ड्री के काम होते हैं वो अब बड़े लोगों को मिल रहे हैं। हमारे समाज के लोग सिर्फ मजदूर बन करके रह गए, हमारे लोग क्या उसके काम नहीं मिल सकता है? तो हमारी आर्थिक विपन्नता, शैक्षणिक विपन्नता, सामाजिक विपन्नता ये है कि आप हर दिन समाचार पत्रों में देखते होंगे हमारे लोगों के साथ जिस तरह अत्याचार अनाचार हो रहा है, ये अब नाक से ऊपर पानी बह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सारे स्थिति में हम बहुत पीछे हो रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने धोबी अधिकार रैली का अखिल भारतीय धोबी महासंघ के बिहार इकाई के माध्यम से यहाँ पर बुलाया गया है, और यहाँ हम रणनीति के तहत आगे के कार्यक्रम तय करेंगे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। पिछले 30-32 सालों से बात कीजिए साम्राजक जी, तो बिहार में समाजवादियों की ही सरकार है, पहले लालू प्रसाद यादव की थी, अभी नीतीश कुमार की है। कहा जाता है कि इन्होंने उस समाज को आवाज़ दिया जो दबी जुबान में थे, जो नहीं बोल पाते थे, चाहे वो गांव हो या पटना शहर या कहीं का ही बात कर लीजिए। 35 सालों में कोई बदलाव दिखा आपको अपने समाज में, खासकर धोबी समाज की बात कर रहे हैं? यही बदलाव है कि आज पहले हमारे संसद में 2 या 1 संसद सदस्य होते थे, आज एक भी नहीं है। पहले 3 से 5 विधायक होते थे, आज एक भी नहीं, ये बदलाव है। प्रशासनिक पदाधिकारी पहले 5 से ज़्यादा प्रतिशत होते थे, अब 3% है, ये बदलाव है। शैक्षणिक क्षेत्रों में अब हमारे लोग नहीं हैं, कम हो गया है। हमारा रोजगार के क्षेत्र में जो हमारा अपना रोजगार था वो छीन लिया गया है। हम वो जो लॉर्ड मैकाले की जो नीति थी अंग्रेज़ों का कि हिंदुस्तानी लोगों को मजदूर बना करके रखो, चौकीदार बना के रखो, तो देश के 75 साल के आज़ादी के बाद भी हम मजदूर बन करके थे, मजदूर बन करके हैं, मजदूर बन करके लगता है, ये नीति के तहत रहेंगे। उसी के बदलाव के लिए ये जो एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, निश्चित ये रैली है, रैली होगी, रणभेदी बचेगी, और हम आगे की लड़ाई का, संघर्ष का कार्यक्रम तय करेंगे। तो नीतीश कुमार के सामने भी ये मांग रखा जाएगा आप लोग? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था से, और व्यवस्था में जो लोग हैं उनको मेरी जो हिस्सा है, जो मेरा हक है, हम अपने हकों के लिए यहाँ आए हैं। हम कोई भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। सरकारी कहती है, अन्य दल के लोग कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, तो हमारी आबादी है 1.5%, लेकिन कहाँ दिखता है। एक सवाल ये भी है सर कि कई जातियाँ, चाहे आप मांझी की बात कर लीजिए, मुसहर जाति की बात कर लीजिए, या दुसाद की बात कर लीजिए पासवान का, पॉलिटिकली तो वो लोग बहुत आगे निकल गए पिछले 20-30 सालों में, देखा जाए तो ये समाज ही पिछड़ गया। मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात, अपने समाज की बात रख रहा हूँ। ये तो आकलन करना आप लोग का काम है कि क्यों हम पीछे रह गए और क्यों वो आगे हो गए, कौन आगे हो गए। अब वो बात चलेगी तो बहुत सारी बात चलेगी, इस देश में किसकी आबादी कितनी है और वो न्यायपालिका में कितने प्रतिशत हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी में कितने पद हैं, पद पर विराजमान हैं, राजनीति में कितने पद पर वो विराजमान हैं, तो ये सारी चीज़ें चल सकती है, लेकिन हम उन चीज़ों पर बहस में नहीं जाना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं हमारे लोगों के साथ जो अपेक्षा हुआ है, हमको भैया अपना हक दे दो, मुझे अपना हक दे दो, मुझे और कुछ। एक ये भी कारण जो समझ में आता है कि उस समाज को, चाहे मुसहर समाज हो या दुसाद समाज हो, उनको ऐसा नेता मिला, शायद धोबी समाज को ऐसा नेता भी ना मिला हो। सवाल नेता का नहीं होता है, सवाल नीयत का होता है। जो व्यवस्था में लोग अगर उनकी नीति साफ रहती तो सभी समाज को बराबर से देखते, और बराबर से नहीं देखे इसी का कारण है कि आज। और एक चीज़ मैं बता दूं, मेरी किसी अन्य दलित वर्ग के लोगों से हमारा कहीं कंपटीशन नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं, लेकिन हम उनसे कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो हिस्सा बनता है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये है मेरा सामने सवाल। चलिए, तो 2 अप्रैल को एक बड़ा सभा होने जा रहा है पटना के इस मिलर ग्राउंड में,
तमाम जो राज्य के 38 जिला है, सभी जिलों से आप कहिए जो धोबी समाज के लोग हैं यहाँ पर शिरकत करेंगे, श्याम रजक मंच पर मौजूद रहेंगे और वो खबर भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। दिलीप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।